कैसे जाने कि घर में भूत है। घर में यदि किसी भी प्रकार की उठापटक चल रही है तो दो तरह की चीज हो सकती है। पहला यह कि कोई भूत प्रेत हो, या दूसरा यह कि अन्य किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो। यदि दोनों में से कोई भी एक घर में प्रवेश कर जाती है तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सवाल यह है कि कैसे जाने कि घर में भूत है या अन्य कोई नकारात्मक ऊर्जा का निवास है। तो मित्रों, हम इसके कुछ लक्षण बताते हैं। पहला यह कि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। दूसरा यह कि घर का हर सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगता है, या वह बात बात पर क्रोध करता है, कोई किसी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप नहीं करता है। तीसरा यह कि अकारण ही कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है, दवा खाना पीछा नहीं छोड़ता है। चौथा यह कि आपके घर या घर के किसी सदस्य के मन में आत्महत्या या हत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। पांचवा यह कि घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। छठा यह कि घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता है, किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं करता है। सातवां यह कि किसी न किसी उपकरण में खराबी आती रहती है। आठवां यह कि घर के बच्चों का पढ़ाई से मन उचट जाता है, वे भी चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सुख शांति और समृद्धि चली जाती है। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो चलिए यह भी जान ही लेते हैं। पहला यह कि एक कांच के गिलास में पानी भरकर उसे कमरे में रखें, 24 घंटे बाद उसे वॉश बेसिन में बहा दें। इसी तरह हर कमरे में रखकर ऐसा ही करें। दूसरा यह कि हनुमान जी का उत्तर की दीवार पर एक चित्र लगाकर प्रतिदिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा यह कि प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के आगे सुंदर कांड का पाठ करें। चौथा यह कि प्रतिदिन सुबह शाम एवं रात को कर्पूर जलाएं और घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। पांचवा यह कि घर में तुलसी का पौधा लगाएं, घर के सभी सदस्य तुलसी डाला जल ही पिए। छठा यह कि चतुर्थी 13 14 अमावस्या और पूर्णिमा को पवित्रता का पालन करें, शराब न पिए और न ही मांस का सेवन करें। दोस्तों, भूत प्रेतों को लेकर के लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग बताते हैं भूत बहुत खतरनाक होते हैं, उनके लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा होता है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग बात। कोई बताता है कि सिर कटा भूत, कोई बताता है पैर कटा भूत, कोई कहता है कि भूत लोगों को परेशान करते हैं, कई लोग कहते हैं कि भूत होते ही नहीं, यह सब बकवास है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया इनके बारे में क्या कहती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के रिसर्चर इन्हें नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ऐसी जगहों पर रिसर्च की जिन्हें हॉन्टेड या फिर भूता कहा जाता था। जब उन्होंने ऐसे स्थानों पर अपने डिवाइसेस लगाए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी होने के सिग्नल मिले। अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को फील भी किया। वैसे भूत प्रेतों या फिर नेगेटिव एनर्जी, इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जीवित इंसानों को परेशान करें। रिसर्चर कहते हैं कि अगर आपको किसी नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी का एहसास हो तो आपको डरने की बजाय अपने को अंदर से मजबूत बनाकर रखें और ऊंची आवाज़ में बोलें, आपका डर भाग जाएगा। नेगेटिव एनर्जी को लेकर कई वेस्टर्न रिसर्चर्स बताती हैं कि यह जब भी आकार लेते हैं या फिर किसी को दिखाई देते हैं तो इनका रूप इंसानों जैसा ही होता है। कई बार रिसर्च के दौरान कैमरा में इस तरह की झलक दिख जाती है, लेकिन इसे सीधे सीधे भूत कह देना ठीक नहीं। हजारों में कभी कभी कोई ऐसा मामला होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी किसी को नुकसान पहुँचाए। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने आसपास ऐसी किसी नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास होता है तो आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करें, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रिसर्च कहती है कई बार हमारे आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी अचानक एक्टिव हो जाती है। ऐसे में हमें आसपास कुछ हलचल महसूस होने लगती है, जैसे दरवाजों पर खटखटाहट, हमारे आसपास की चीज़ों का अचानक अपनी जगह से आगे पीछे होना, घर की कोई चीज़ गिरना, यह सब नेगेटिव
नेगेटिव एनर्जी आसपास होने के सिग्नेचर या फिर साइन हो सकते हैं, लेकिन कई बार इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, ना कि नेगेटिव एनर्जी। वैसे एक बात यह है कि नेगेटिव एनर्जी का एहसास हर किसी को नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि इस तरह की एनर्जी हर एक के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, इसलिए इनके बारे में हजारों तरह की बातें होती रहती हैं। दोस्तों, मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर भी बनाऊंगा कि किन लोगों को नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के बारे में बहुत से मिथ हैं, इन सब में उलझने के बजाय अपने आत्मबल को बढ़ाएं, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखें, नेगेटिव एनर्जी आपको एहसास भी नहीं होगा। आज आप सभी के सामने मैं एक अपनी की हुई साधना से संबंधित कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करूंगा, और जैसा कि आपने देखा उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि कर्ण पिशाचिनी का अर्थ क्या होता है, क्या साधना होती है, क्यों होती है। अधिकतर लोग कर्ण पिशाचिनी को बहुत भयावह, बहुत गंदी और बहुत ही मलिन, परेशान करने वाली, भूत और वर्तमान बताने वाली एक ऐसी शक्ति के रूप में जानते हैं, जो आपको जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों का ऐसे ऐसे राज खोल देती है जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसे सभी को जिज्ञासा होती है, मुझे भी अपने साधना काल में इस प्रकार की जिज्ञासा हुआ करती थी कि कर्ण पिशाचिनी मैं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही भगवान भैरव की उपासना करता चला आ रहा था, गायत्री को अनुष्ठान काली के इत्यादि बहुत सारी चीजों के जो महाविद्याओं से संबंधित है, कभी भी नीच योनि की साधनाओं का हृदय में आया नहीं। किंतु कुछ राहु काल ऐसा आया कि उसमें मेरा संबंध कपालिकों, अघोरियों और ऐसे बाबाओं के साथ, ऐसे तांत्रिकों के साथ मेरा संपर्क हुआ जो मारण कर्म और भूत प्रेत जिन्न पिशाच ब्रह्म राक्षस इन सब से संबंधित विद्याओं के महारथी थे। कुछ आसाम बंगाल कामाख्या की तरफ के थे, कुछ तांत्रिक कुछ विशेष विद्याओं की ज्ञाता जो साउथ इंडिया की तरफ के थे, कुछ नॉर्थ के थे, कुछ नेपाल के थे। उन सबके संग मेरा जो समय था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उसी में इस कर्ण पिशाचिनी विद्या को करने का मेरे भीतर भाव आया कि इन लोगों के साथ रह के मैं इस प्रकार की साधना को भी जान सकता हूं कि ये क्या है। क्योंकि भूत और वर्तमान ये बताने में बहुत माहिर है, भविष्य में ये कमजोर पड़ जाती है। तो एक क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही बहुत सारी साधनाएं कर चुका था और अलग अलग साधनाओं को करने के प्रभाव से बहुत सारी इंद्रियां वैसे ही जागृत थी, त्राटक मैंने सिद्ध करा हुआ था, उसके माध्यम से ही बहुत चीजें ज्ञात हो जाती थी, स्वतः से ज्ञात हो जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि मैं किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे ज्ञात हो रहा है, वो अपने आप होता था। कोई पूछता था उसका उत्तर स्वतः से आ जाता था, कोई कुछ अगर बोलने वाला है अपने मुख से तो वो मुझे पहले ही पता चल जाता ये बोलने वाला है, तो उसके बोलने से पहले मैं बोल देता तो आश्चर्यचकित हो जाता था कि ऐसा कैसे बोल दिया आपने। तो जब मैं इन बाबाओं और साधु संतों के संग में भटक रहा था, उन जहां मेरी प्रथम मुलाकात हुई हरिद्वार में एक बाबा से, और उसके साथ मैंने 3 दिन और 3 रातें गुजारी उस नदी घाट पे, और वो कुछ नहीं करता था, बस बड़बड़ाता रहता था, और कभी कभार इतना ज्यादा बड़बड़ाता था कि समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था। खैर, मेरी उससे मित्रता हुई, क्योंकि जैसे ही मैं उसके सामने कुछ लेके गया, कुछ भोजन इत्यादि, तो उसने सीधे दारू मांगी कि ये नहीं दारू पिलाओ। तो मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं लेके आता हूं। मैं जब तक लेके आया तब तक वहां से गायब हो चुके थे, फिर भी मैं वहां प्रतीक्षारत रहा, 2-3 घंटा बैठा रहा वहां पे।
मैं इसलिए वहां बैठ गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी मेरे बारे में कि मुझे ये हुआ कि ये अवश्य कुछ ना कुछ सिद्धि और शक्ति का मालिक है। तो 3 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद वो बाबा आया। पूछा उसने कि लाए? मैंने कहा लाया हूं। कहना चलो उनके साथ 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 नदी किनारे बहुत दूर तक जाके जहां एकदम शहरी आबादी सब समाप्त हो जाती है, वहां पे जंगल का एरिया और नदी किनारा बैठे और उसने दारू उठाई और उसके छींटे मारने शुरू करे अज्ञात स्थान पे। अज्ञात स्थान पे जब छींटे मारने शुरू करे, अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि तू भैरव का पुजारी है, पीछे बैठ। मुझे उसने काफी पीछे भेज दिया और जब काफी पीछे चला गया मैं कि वो हल्का सा देखने लगे, बस शाम का समय भी था, तो कुछ वहां पे हलचल ऐसी हुई कि छाया जैसी वहां पे 3-4 तरह की छायाएं वहां पे दिखने लगी और उसने वहां भोग दिया और उसके बाद छींटे मारे, कुछ उसके थैले में था वहां रखा और उसके बाद वहां से वो करके चला आया और अपना दारू पीता हुआ मेरे पास आ गया। तो उसने मुझसे ये कहा कि क्या चाहिए, क्यों आए हो? तो मैंने, क्योंकि उस समय मैं और तो कुछ चाहता ही नहीं था, मेरे भीतर एक प्रश्न तो उठ रहा था कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे करा जाए, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि मैं किसी से कह सकूं। तो मेरे अंदर से यही आया कि मैं तो बाबा को उपासक हूं, बाबा से संबंधित मैं भटकता हूं इधर उधर। तो वो घबरा सा गया, उसके चेहरे पे अचानक से एकदम भय की लहर दौड़ गई और कांपते हुए उसने मुझसे कहा, कांपते हुए होठों से मुझसे कहा कि वो तो बहुत खतरनाक शक्ति है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं। उसके साथ उसने ये भी बोला कि वो आपके साथ तो 24 घंटे रहते हैं, आपको क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से उसने और भी बहुत सारे कुछ बातें बताई मेरे बारे में, जिससे मुझे ये भान हो गया कि ये कर्ण पिशाचिनी से संबंधित सिद्ध है। फिर धीरे 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 उसने 3 दिन में मुझे कर्ण पिशाचिनी से संबंधित बहुत सारे रहस्य खोले, क्यों ये कर्ण पिशाचिनी कान में आके बताती है, कैसे बता लेती है भूत का और वर्तमान का, उसको क्या भोग चाहिए होता है, क्यों भोग चाहिए होता है। इस प्रकार से अनगिनत चीजें उस बाबा ने मुझे बताई। खैर वहां से मेरी जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ी और धीरे धीरे जब मैं उस समय में आता हूं जब मैं अपने उन गुरुओं के साथ था, जब बहुत ज्यादा तामसिक साधनाओं के अंदर मैं आया हुआ था, जिसमें हर प्रकार की जो नीचे योनि की साधनाएं हैं, भूत प्रेत से लेके जिन्न से लेके और भी जितनी साधनाएं होती हैं, तो उन्हीं साधनाओं के मध्य में मुझे कुछ यक्षिणी की साधना करने का अवसर मिला, अलग अलग तरह की, और कुछ मौका मिल रहा था मुझे प्रेत की साधनाओं का। मेरे साथ जितने भी और भी शिष्यगण थे वो उनको भय रहता था बहुत सारी चीजों का, लेकिन बाल्यकाल से ही मुझे पता नहीं था कि भय क्या होता है, और कहीं भी कभी भी मैं किसी प्रकार की साधनाओं को करने के लिए बड़ा उत्साहित रहता था। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मेरा नाम उस समय महाकालनाथ औघड़ था, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि महाकाल तुम कर्ण पिशाचिनी करोगे। तो मेरी जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने बोला था, तो मैंने हामी भरी। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और उसके कुछ रहस्य बताए। मैंने उसको एक स्थान अपने गुरुदेव से कहा कि मैं उस नदी किनारे करूंगा, तो उन्होंने मुझे उस स्थान का पूरा ब्यौरा बताया कि वहां पे कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो मैं कैसे कैसे संभल के रहना है, कैसे कैसे अपना घेरा लगा के रखना है, कब कौन से मंत्र का उच्चारण करना है अगर कोई शक्ति आ जाए। इस प्रकार से मैं 41 दिन की साधना के लिए चला गया। उनकी दृष्टि थी मेरे पर, तो
जब मैं वहां प्रथम रात्रि लगभग 9:30-10 बज रहा होगा जब वहां पर था, तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं अक्सर पहाड़ों, नदी किनारे, झरनों, इन जगहों पर मैंने बहुत रातें बिताई हैं अकेले, और रात ही नहीं दिन भी, दिन रात में ऐसे ही पड़ा रहता था नदी किनारे, पेड़ के पास, पर्वत के पास। जानने की इच्छा थी, जो जिज्ञासा थी, उसी कारणवश उस रात्रि वो सन्नाटा बड़ा अजीब सा लगा मुझे, जाना पहचाना नहीं लगा, प्राकृतिक नहीं लगा। फिर भी मेरे गुरुदेव द्वारा बताई हुई विधि को मैंने करना शुरू करा, और विधि को करने के पश्चात जैसे ही मैंने उनके बताए हुए मंत्र का उच्चारण करना शुरू करा, मुझे एक अजीब सा छाया जैसा, एक अजीब सा धुआं जैसा दूर से उठता हुआ देखने लगा। और दूर से जब उठा तो वो कभी पास आ जाए, कभी दूर चला जाए, कभी छोटा बच्चा हो जाए, कभी बड़ा आदमी हो जाए, कभी स्त्री हो जाए, कभी बुजुर्ग हो जाए, कभी बुढ़िया स्त्री हो जाए, तो कभी जवान स्त्री हो जाए। वो अलग अलग रूपों में मेरे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दूर, पास, ऐसे बार बार तेजी से आकृति घूमने लगी। और जैसे जैसे मेरा मंत्र बढ़ता चला गया, जैसे जैसे मेरे मंत्र की तीव्रता बढ़ती चली गई, उसकी चोट बढ़ती चली गई, वैसे वैसे वो उत्पात और ज्यादा बढ़ने लगा। मैं नदी किनारे था, नदी का जल भी इतना बढ़ गया कि मेरे घुटने से ऊपर पानी आने लगा, और मैं देख रहा हूं कि मेरे को उठना चाहिए यहां से। हो सकता है पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे उठना पड़ जाए, लेकिन गुरु का आदेश था, उसका पालन करना बहुत जरूरी था कि अगर एक बार बैठ गए तो फिर जितनी माला बोली है उतनी माला करके ही उठना है। ये मेरा हमेशा का संकल्प रहा, चाहे जो हो जाए। उस समय मैं आसन छोड़ता नहीं था, आज भी वही स्थिति है। अगर किसी कार्य को कर लिया, उठा लिया, बीच में ही छोड़ना। मेरी इसी उदंडता को देखते हुए, मेरी इसी हठ धर्मिता को देखते हुए, साधना के प्रति मेरी मर्यादा को देखते हुए, मेरी ईमानदारी को देखते हुए, मेरे गुरुदेव ने मुझे इस प्रकार की साधना दी जो अन्य किसी को नहीं दी। मैं जैसे जैसे जाप बढ़ता चला गया, उत्पात और ज्यादा बढ़ता चला गया। प्रथम रात्रि यही हुआ, द्वितीय रात्रि कुछ सामान्य सी घटनाएं हुई जो बहुत सामान्य सी हैं। तीसरी रात्रि को जब मैं जाप पे जा रहा था, तो जाप पे जाने से पहले ही मुझे रोका गया किसी के द्वारा, और पीछे से आवाज आ रही थी कि मत जाओ, मत जाओ, खतरा है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, लेकिन क्योंकि आदेश था तो मैं जाना तो बहुत जरूरी था, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं वहां पहुंचा तो जंगल का स्थान था ही, नदी किनारा था ही, रात्रि का समय था ही, तो जंगली जानवरों का आना बड़ी सामान्य सी घटना थी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बड़ा शांत था, जो प्रथम दिन की बेचैनी थी उस जंगल के आसपास उस रात्रि की, वो इस रात्रि नहीं थी। इस रात्रि बड़ा शांत सा था। मैं अपने निश्चित स्थान पर जाके बैठा, और दूसरी तरफ मुझे आंखें चमकती हुई दिखाई दी। जब मैंने आंखें चमकती हुई देखी तो मैंने देखा कि वो जानवर हैं, या कोई इंसान है, या कोई ऐसी अलग शक्ति है। नहीं समझ में आया, अंधेरा था, नहीं समझ में आया। फिर भी मैं अपने जाप को करता चला गया। अब वो धीरे 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 आंखें नदी की उस पार से, ऐसा लगा कि जो पानी पी रहा है नीचे, जिसकी आंख की छाया भी पानी पर पड़ रही है, वो धीरे 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 मेरी तरफ पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे रोमांच के कारण, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये कौन सी शक्ति है। अचानक से वो दोनों आंखें मेरे सामने ही थी। मेरा जाप लगातार चलता रहा, और जब तक उस रात्रि को 2 बजे तक मैंने अपना जाप पूर्ण नहीं करा, तब तक वो आंखें मेरे सामने ऐसे ही मुझे घूरती रही। वो सिर्फ आंखें थी और कुछ नहीं थी, चमकती हुई आंखें,
जैसे किसी लाइट पड़ती है और किसी लोमड़ी की, किसी जानवर की, किसी कुत्ते की आंखें रात में चमकती हैं, ठीक उसी प्रकार की आंखें थी। और वो बार बार मुझे देख रही थी, अब पलक देख रही थी। 2 बजे 2:15 बजे मेरा जाप पूर्ण हुआ, मैंने धन्यवाद दिया और वहां से चल दिया। अब वो आंखें 24 घंटे मेरे साथ रहने लगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे मेरे साथ आंखें मुझे देखते रहे। गुरुदेव से मैंने पूछा, लेकिन गुरुदेव का हमेशा यही आदेश था कि साधना पूर्ण करो पहले, बीच में इस प्रकार के प्रश्न मत करो, क्योंकि मैं हूं, मैं देख रहा हूं, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनके आदेश का पालन करते हुए उनसे प्रश्न पूछना बंद करते हुए धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाया। थोड़ा 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 करते करते अचानक से मेरे कानों में कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती थी, जैसे कोई गिटार सा बजा रहा है या कोई बहुत तेज अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि क्या आवाजें हैं, क्योंकि वो इस पृथ्वी की भाषा से संबंधित लगता ही नहीं था वो क्या चीज है, क्योंकि कभी सुनी नहीं वैसी आवाज। कुछ दिन हो गए, 10-11 दिन बीतने के बाद, 10-11 दिन में बहुत सारे अनुभव हुए। 10-11 दिन के बाद अचानक से एक दिन रात्रि को, शायद 12 के आसपास हो रहा होगा, आंखें तो मुझे अपलक देखती ही रहती थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा दबाव महसूस होना शुरू हो गया था कि बार बार कोई अगर आपको ऐसा देखेगा तो आपको स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से अशांति होगी। किंतु मैं ध्यान साधना बहुत रहा हूं, तो मैं हर चीज को देखता हुआ चलता हूं, तो बहुत ज्यादा असर होता नहीं है, और गुरु आदेश रहता है तब कोई फर्क भी नहीं होता। 10वां 11वां दिन था, 12 बजे का समय था रात्रि का। हर तरफ पानी की कलकल, मेंढक की आवाज, झींगुर की आवाज, अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें, और अचानक से वो जो कानों में कभी कभार आवाजें आती थी मुझे, वो अचानक से मुझे साफ स्पष्ट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे से बात कर रहा हो, और धीरे धीरे मेरे से वो आवाजें बात करने लगी। जैसे ही मेरे से वो आवाजें बात करने लगी, मेरा एक एक रोंगटा खड़ा होने लगा रोमांच से, ये क्या हो रहा है, क्या मैं इसी के लिए बैठा था, ये तो इस चीजें आ रही हैं। और जब आवाजें आने लगी, उस आवाजों में एक अलग मधुरता थी, एक अजीब सा नशा सा था, जैसे कोई आपको बहुत प्रेम से समझाना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, और उन आवाजों में कोई लय ताल नहीं था कि किसी एक टॉपिक पे, किसी एक सब्जेक्ट पे कोई बात कर रहा हो, बस ये बताया जा रहा था, हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे, इतने दिन से आ रहे हो, वहां पे एक साधु बैठा रहता है, ये पहाड़ कब टूट के गिरेगा, ये पहाड़ कब से यहाँ खड़ा हुआ है, वो पेड़ कब से कहाँ खड़ा हुआ है, ये पेड़ क्या सोच रहा है, पीछे कौन कौन से भूत प्रेत हैं, इस प्रकार की अलग अलग चीजें आवाजों में आने लगी और कान में साफ सुनाई देने लगी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था उन आंखों के अलावा। मेरी कोई डिमांड नहीं रहती थी साधना में, पहले भी और बाद में भी, और अपने साधकों को भी मैं कहता हूं, साधना में डिमांड मत रखो, जो हो रहा स्वीकार करते चले जाओ। अचानक से उन आंखों ने हल्का हल्का रूप लेना शुरू करा, जैसे चेहरा हल्का हल्का बन रहा हो नहीं आंखों में ही, और जो होंठ थे वो बुदबुदाते हुए दिखे, और उस आवाज से तालमेल खाते हुए दिखे जो मेरे कानों में पड़ रही थी। ये 10वें दिन की घटना है, 10वें 11वें दिन की, और ये धीरे 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 ये छवि साफ होने लगी, प्राकट्य होने लगा उस चीज का, ऊर्जा का। 20वां 21वां दिन था, उस शक्ति ने, उस पिशाचिनी ने, उस देवी ने अपना पूर्ण रूप लेना शुरू कर दिया, और बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, अकल्पनीय है। मैं जितने भी देखता हूं लोगों के अनुभव, उसमें इसको बड़ा डरावना और भयावह दिखा गया है। मुझे जो दर्श हुआ वो बड़ा
मनोहारी था, बड़ा हृदय को स्पर्श करने वाला था, कोई भयावह नहीं था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो भयानक से भयानक है, जो क्रूर से क्रूर है, वो महाकाल भैरव का मैं उपासक हूं, तो उसके समक्ष कौन क्रूर आएगा। ये भी एक कारण हो सकता है जिसको मैंने बाद में एनालाइज किया। भीष्म लगभग दिन रहा होगा वो अपने पूर्ण आकृति में और बहुत सुंदर, बहुत सुगंधित रूप में मेरे सामने प्रकट होके, और 24 घंटे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 24 घंटे उनके होंठ बंद ही नहीं होते थे, और हर चीज के बारे में, मेरे गुरु के बारे में, मेरे मेरे गुरु भाइयों के बारे में, परिवार के बारे में, पूर्वजों के बारे में, कोई अगर रास्ते से आ भी रहा है, जा भी रहा है, वो भी। इसमें एक चीज जो मिस होती थी वो ये मिस होती थी कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता था, यानी कि वो बोलती चली जा रही है और मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता था। इससे वो मुझे रुष्ट भी दिखाई दी कई बार कि जब वो बोल रही है तो मैं उसके साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा हूं उसको। जैसे जैसे मैं साधना को आगे बढ़ाता चला गया, बहुत अलग अलग अनुभव होते चले गए, कर्ण पिशाचिनी के अलग अलग रहस्य निकल के आए, वो उसके कौन कौन से सहचरी हैं साथ में, कौन कौन सी शक्तियां उसके साथ चलती है, वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको आपके साथ, आपके कर्ण के साथ जोड़ देती है। उस पिशाचिनी ने मुझे बहुत सारे संकेत दिए, बहुत सारी विधियों के बारे में बताया, बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बताया। कर्ण पिशाचिनी का कर्ण से क्यों संबंध है यह भी जानकारी दी, जो बाद में जब मैं ध्यान के एकांत में प्रयोग करता था उसमें मुझे वहां प्रकट हुआ कि ध्यान में भी बहुत सारी शक्तियों का जागरण होता है जो लगभग कर्ण पिशाचिनी की तरह ही है। तंत्र के माध्यम से किसी भी शक्ति का जब हम आवाहन करते हैं या हम कर्ण पिशाचिनी की बात करते हैं तो कर्ण पिशाचिनी का एक हम ऊर्जा, एक रूप मन में लेके चलते हैं, वही मानसिक रंगों को पकड़ के हमारे सामने वो शक्तियां दृश्य हो जाती हैं। तो शुरुआत में जैसे कोई गिटार बजा रहा हो, बड़ा बेढंगा सा गिटार बजा रहा हो, वो चाइनीज आपके सामने बहुत तेजी से बात कर रहा हो, जैपनीज बात कर रहा हो, किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा हो, ऐसी ऐसी आवाजें कान में आना शुरू होती है। धीरे 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 कुछ लोगों को डरावने अनुभव होते हैं, कुछ लोग डर के साधना ही छोड़ देते हैं, जो साधना छोड़ते हैं उनकी साधना खंडित हो जाती है, जो गुरु आदेश का पालन करते हुए नहीं चलते साधना में उनके तो पूरा जीवन ही तबाह हो जाता है, वो तो कहीं प्रगति नहीं कर पाते। इस साधना में भी ऐसा ही था, लगातार गुरु आदेश का पालन करता हुआ बिल्कुल मौन अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहा। 30 दिन लगभग हो गए थे, उस युवती ने मेरे सामने नृत्य करना, नग्न नृत्य करना, अजीब अजीब तरह की हरकतें करना, मेरे साथ खेलना, रमण करने के लिए प्रेरित करवाना और लगातार बोलते रहना और मुझे यह प्रेरित करना कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूं। जैसे आप किसी से बात करते हैं सामने आपके बैठ के, और अगर आप कोई भी बात का जवाब ना दें अगला व्यक्ति कितनी देर बात करेगा, उसी प्रकार से अगर आप उसके साथ लिंक हो जाते, अगर मैं उसके साथ लिंक हो जाता तो शायद मैं उससे कभी पीछा छुड़वा ना पाता। फिर भी मैंने उसको दिखाने के लिए इतनी जागरूकता रखी, इतनी जागरूकता रखी कि मैं उसको दिखाने के लिए लगातार उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता रहा, और ये उसके फंसाने के ही तरीके थे, धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे मैं हाँ हाँ बोलता जाऊं और वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए बताने की, और बस वो बोलती जाए और मैं सर हिलाता रहूं। मेरी यही दशा हो गई थी। कोई रोड पे जा रहा है, रोड पे असंख्य लोग जाते हैं, हर व्यक्ति के बारे में नाम कौन है, उसके घर में क्या है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है उसके बारे में भी बताना शुरू कर देती थी।
और बड़ी बेढंगे तरीके से कि उसको खा जाओ, उसको मार दो, ये सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कर दो तो ये सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कर दो तो वाला पावर मिल जाएगी, इस तरह की अनगिनत चीजें। अब बकरे की बलि दे दो, अब मुर्गे की बलि दे दो, अब दारू पी लो, ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो, तो और ज्यादा मन को बहुत नीच बनाना शुरू कर दिया उसने। मन की नीचे की हरकतें हैं अधिकतर, उसने और ज्यादा नीचे करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे साधना पूरी करनी थी तो मैं बीच में विरोध नहीं कर सकता था, मैं साधना को आगे करता चला गया धीरे 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 धीरे। एक समय ऐसा आया, ऐसा लगा कि 40 दिन पूर्ण होने वाले हैं और मैं ऐसे पागल जैसा हो गया था। क्योंकि वहां पे मदिरा का भोग, वहां पे तामसिक हर प्रकार का भोग देना और स्वयं लेना शुरू हो चुका था। रमण के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेरणा होती रही, लेकिन भैरवनाथ की ऐसी कृपा रही कि उस एंगल से नहीं टूटा। लेकिन उसने बताना शुरू कर दिया हर चीज के बारे में, गुरु के बारे में। मेरे कान भरने लगी कि गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है, गुरु ऐसा है, गुरु सोच रहा है, गुरु ये सोच रहा है, हर किसी के बारे में। उससे ये होने लगा कि भीतर से एक अहंकार जन्मने जैसी स्थिति बनने लगी, मुझे तो सब पता है, अब तो सब पता ही चल जाएगा, अब क्या दिक्कत है, सबकी खोल दी। ऐसी स्थिति को भी मैंने बड़ी जागरूकता से, ध्यान ही साधक होने के कारण बहुत जागरूकता से देखते हुए चला। किसी भी चीज में लिप्तता बहुत ज्यादा नहीं रही, दृष्टा भाव रहा, और धीरे धीरे उस शक्ति का, उस कर्ण पिशाचिनी का पूरा रूप मेरे सामने प्रकट हो चुका था। 24 घंटे वो मेरे साथ कुछ दूरी बनाए हुए चला करती थी, लगातार मेरे कान में बोलती रहती थी, नींद मेरे को आनी बंद हो गई थी, और हर व्यक्ति के बारे में नकारात्मकता बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर किसी के बारे हर व्यक्ति लालच, मोह, लोभ, अपनी स्वार्थता, इन सब के बारे में ही केंद्रित होकर चलता है, तो जब किसी के बारे में बताए वो और उसके बारे में पता चले तो अंदर से आएगी हटाओ इससे बात नहीं करनी। ये ऐसा ही जब भी संसार ऐसा ही है, संसार तो स्वार्थ पे चलता है, हर कोई स्वार्थी है, और वो ज्ञान की बातें आना बंद हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी वाणी मेरे कानों में लगातार पड़ते रहते थे। 40 दिन करीब हो चुके थे और उसने बहुत सारी गुप्त चीजों का उद्घाटन करा। कुछ मैं अगर वक्त मांगता था, वो वक्त मांगने के लिए भी हामी भर दी, लेकिन गुरु आदेश था कि जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए कुछ भी डिमांड मत करना, चुपचाप अपनी साधना करते रहना, कोई वचन मत देना। धीरे 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 जब आखिरी दिन आया, आखिरी दिन में मैं नदी किनारे बैठ के साधना कर रहा था, अचानक से पानी का स्तर इतना बढ़ गया मेरे गले तक आ गया, और पानी की जो लहरें थी ऐसी थी कि अब मैं बह जाऊंगा, एक और लहर आती और मैं बह जाता, ना तीव्र। तो मैंने भी ये ठान रखा था कि अगर मैं बह गया तो बह ही जाऊंगा, उठूंगा नहीं अपनी मर्जी से। साधना करते 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 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पूरा माहौल वहां का बदल गया, पूरा माहौल वहां का बदल गया। बहुत खतरनाक आवाजें आने लगी, बहुत ज्यादा खूब सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मर गया हो। बदबू आने लगी बहुत भयानक, जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा हो, जन्मों से सड़ रहा हो, 6-6 महीने से सड़ रहा हो, और लाशों के ढेर लगे हो, भयानक बदबू। और वो जो रूप मेरे सामने बड़ा रूपवान होकर चलता था, उसमें से गंदी गंदी गैस बदबू आने लगी, बहुत गंदी गंदी, आप वहां बैठ ही नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू। और वो जो रूपवान जो चेहरा था, जो अंग थे, सब में से जैसे मांस की लोथले गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, गंदा खून टपक रहा है, दांत इतने भयावह कि जैसे सुइयां, संग की सुइयां लगा रखी हूं दांतों में, बड़े बड़े कांटे से ही के खून टपक रहा है, हाथ में उसके ढेर सारे
मरे हुए बच्चों की लाशें जिनको वो नोच नोच के खा रही। उसका भाव ऐसे ही, अब वो मुझे खा जाएगी, अब वो मुझे पूरा पूरा निगल जाएगी जैसे वो बच्चों को खा रही है। धीरे 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 जब वो मेरे पास आने लगी, मेरे गुरुदेव के बताए हुए कुछ मंत्रों का मैंने उच्चारण करा तो वहीं रुक गई। पश्चात वहीं खड़े होके उसने मेरे से बात करना शुरू करा। यह बात बिल्कुल ही भिन्न थी जो आज तक वो करती रही, बिल्कुल भिन्न थी। और इतनी तेज चिल्लाने लगी जैसे कोई पागल स्त्री हो गई हो, इतनी तेज चीखने लगी कोई भी सामान्य साधक हो वहां पे पागल होकर मर जाए। उसने मेरे से चिल्लाते हुए स्वर में गर्जना करी, बहू कहाँ है मेरा, मेरा बहू कहाँ है। बहुत तेजी से चिल्लाया क्योंकि अंतिम दिवस उसको पूर्ण भोग देना होता है। मुझे इसका भान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। मेरे पास जो भी सामान्य भोग की वस्तु थी मैंने उसके सामने ऐसे उठा के फेंकी। उस तक वो पहुंचने से पहले ही उसके आसपास जो भूत प्रेत थे उन्होंने चट कर ली। फिर वो चिल्लाई, मेरा बहू कहाँ है। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या उत्तर देता क्योंकि मैं अपना जाप कर रहा था और मेरे गुरुदेव ने बोला था अपना जाप मत छोड़ना। मैं जाप करता रहा, उसकी तरफ देखता रहा, वो चिल्लाती रही, बहुत तेज चिल्लाती रही और मारने के लिए आतुर हो गई और बदबू से वहां बैठना मुश्किल हो गया। इतनी ज्यादा चीख पुकारे वहां होने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा आसपास का गांव का एरिया मारने के लिए मुझे चला आया है। फिर भी मैं शांत अपना जाप करता रहा, बढ़ाता रहा। कुछ आखिरी ही मालाएं बची थी। उस समय उस माहौल में इतनी ज्यादा उग्रता हो गई, इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया, कोई भी सामान्य साधक हो उसको ये लग जाएगा कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे भी ये आभास हुआ कि आज कुछ बहुत गलत हो सकता है। अचानक से जब आखिरी एक माला बच रही थी और वो वहां पे मुझे खाने के लिए, मुझे मारने के लिए आतुर थी कि अब वो आएगी और मेरी गर्दन उड़ा देगी अपने तीखे पैने नाखून और दांतों से, तभी सहसा मेरे हाथ पे किसी ने जैसे बहुत तेजी से खरोंच मारी हो नाखून से, बहुत तेज खरोंच हुई, इसमें से खून टपकने लगा। और जब उसमें से खून टपकने लगा तो ढेर सारे वहां पे छोटे 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 भूत प्रेत बच्चे कीड़े वो मेरे हाथ पे चिपक गए। और ये साक्षात हो रहा था, मैं देख रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे भ्रम हो। फिर मेरे दूसरे हाथ पे ऐसे बहुत तेजी से नाखून से खरोंच मारी गई और खून टप 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 और दोनों तरफ से मेरे हाथों को जैसे कीड़े खा रहे हों उस तरह के भूत प्रेत अजीब अजीब तरह के लंबी लंबी जीभ वाले मेरे हाथ पे दोनों खून चूस रहे हैं और मैं पूरा हिल रहा कि मैं जैसा मेरा जैसे हाथ ही तोड़ के ले जाएंगे। मेरा वहां जाप करना मुश्किल हो गया। जैसे ही मेरी माला का आखिरी दाना हुआ अचानक से आकाश में मेरे गुरुदेव का मुझे चेहरा साफ स्पष्ट दिखाई दिया और उन्होंने सिर्फ एक ही वचन बोला, जा सिद्ध हो गई। बस उनका ये वचन सुनते ही, ये वचन मेरे कान में पड़ते ही जा सिद्ध हो गई। वो जो मेरे हाथ से खून निकल रहा था, जो मेरे को नोच के खा रहे थे, सामने जो बदबू आ रही थी, वो सब शांत हो गई और कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रूप मेरे सामने प्रकट करा और उसने जो मेरे से भोग मांग रहे थे उसकी भी डिमांड नहीं करी। मैंने जाप छोड़ के उनको प्रणाम करा
और उनसे उनके रहस्य जाने। उस रात्रि उन्होंने मुझे वो सभी रहस्य प्रकट करे, उस लोक से संबंधित बहुत गुप्त और गूढ़ हैं और बिल्कुल मित्रवत रूप से उन्होंने वचन के लिए बात करी। मेरे कानों में मेरे गुरुदेव की साफ स्पष्ट ध्वनि आ रही थी कि कैसे कैसे वचन लेना है। उन्होंने मुझे वचन लेने का तरीका बताया था जो बहुत ही गुप्त है, जो गुरु शिष्य मार्ग पे ही चलता है और बहुत परीक्षण के बाद मिलता है। उस गुप्त विधि से मैंने उनके साथ वचनबद्धता करी गणपिशाचिनी के साथ, और उसके बाद से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ व्यवहार करना शुरू करा, जैसे कोई देवी हो जो शांत रूप में हो। लेकिन चाहे कोई भी हो, है तो पिशाचिनी स्तर की ही, तो उसकी जो हरकतें, उसकी जो डिमांड, उसकी जो एनर्जी, वो साधक को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। जैसे साधक जिस स्तर पे है, उसके उसकी ऑरा में है, उसकी ऊर्जा क्षेत्र में है, उसी में ही रहे, उसमें उसी को आनंद है। तो इन सब चीजों का जब मैं प्रयोग करते करते गुरु सानिध्य में और भी साधनाओं को करते करते कर्ण पिशाचिनी की सहायता से लोगों को बताने लगा, बहुत सारी चीजें बताने लगा, साधना में अटकाव सा आया। ये मैंने देखा कि जो गति मेरी पूर्व में थी वो अब मेरी नहीं है, क्योंकि साधक की गति तब होती है जब वो अहंकार रहित होना शुरू होता है। साधक की गति वो होती है कि जो उसको, जो उसकी प्यास है, उस प्यास को बार बार बुझाने के लिए प्रेरित करे। अब कर्ण पिशाचिनी में अहंकार बहुत प्रबल हो गया, हर चीज का उत्तर मिल जा रहा, तो आपकी जो प्यास थी वो दब गई भीतर। तो ये बहुत सारी चीजें जब मेरी प्यास को दबाने लगी, मेरी यात्रा को दबाने लगी, क्योंकि मेरी प्यास परम की थी, इन क्षुद्र शक्तियों की कभी नहीं रही, इनको जिज्ञासा और जागरूकता वश मैंने सिद्ध करा। कुछ माह रखने के बाद इस साधना को, इस सिद्धि को मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे आगे बढ़ने की आज्ञा दीजिए और इस सिद्धि को, इस साधना को, इस शक्ति को शांत करें और मौन करें, क्योंकि उसकी जो वाणी थी वो 24 घंटे की थी। 24 घंटे बस मैं सर हिलाता रहता था उसके बारे में कि अच्छा अब ये बोल रही है, अब ये बोल रही है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, वो ऐसा बोल रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो ये सारी चीजें जब ऐसे होने लगी तो साधना तो अटक ही गई थी। मानसिक रूप से भी आप पागल हो जाते हैं जब आपको 24 घंटे सोते टाइम भी अगर कोई बताता रहेगा, आप कहां सोते शांति से। तो मानसिक अशांति भी बहुत ज्यादा होने लगी, साधना भी रुक गई, प्यास भी पीछे थी लेकिन वो भी हल्का हल्का धक्का मारती रही कि मैं तो बुझ ही नहीं पाई हूं, वो तो परम से ही बुझेगी, महाज्ञान जब फूटेगा बुझेगी। मेरे गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और उन्होंने फिर इससे मुक्ति का रास्ता भी बताया, क्योंकि वह सामान्य क्रिया नहीं है। इसी शक्ति को अगर वचनबद्ध कर दिया जाए तो आप कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए भी कुछ गुप्त क्रियाएं उन्होंने मुझे वो करवाई। और क्रिया करने के बाद भी मुझे कम से कम 3 महीना लगा अपने मानसिक बैलेंस को वापस लाने के लिए। 3 महीने तक मैं वहां सेवा में रहा, तो गुरु सेवा में रहने का यही फल रहा कि वो चीजों में मुझे जल्दी सफलता मिली और उनसे छुटकारा पाना था, मैं और ज्यादा जल्दी उससे छुटकारा पा लिया। फिर भी मैं जितने भी सुनने वाले हैं साधक, उनको मैं यही राय दूंगा कि अगर आपको यह साधना सिद्ध करनी है तो अपने गुरु के आदेश का पालन करना सीखें। जब तक आप अपने गुरु के आदेश का पालन करना नहीं सीखेंगे, आपको कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी। छोटे मोटे अनुभव आपको हो जाएंगे लेकिन सिद्धि तक गुरु ही ले जाएगा। आपको सर्वप्रथम गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए
जैसा गुरु ने कहा ठीक वैसा ही करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां जहां आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप बहुत गहरी चोट खाएंगे, बहुत ज्यादा मात खाएंगे। और ऐसे असंख्य जन्मों में आपने पता नहीं कितनी सारी भूलें करी हैं, कितनी सारी चोटें खाई हैं। शक्तियों का खेल बहुत खतरनाक होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मजाक की बात नहीं है, ये तंत्र क्षेत्र है। मैं उन सभी साधकों से जो पिंड पिशाचनी में इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, आप अगर इच्छुक हो तो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। उसके जो गूढ़ रहस्य हैं वो पूरे के पूरे तो मैं साझा नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मैं दीक्षित साधकों के, वो भी मैं नहीं देता हूँ। दीक्षित साधकों को भी मैं बहुत कठिन परीक्षा से गुजार के ही मैं असली चीज बताता हूँ, क्योंकि अभी इस युग में वैसे साधक जीवित है नहीं, बहुत कम है। नीति नियम का पालन और मर्यादा और आदेश का पालन करने वाले साधकों की संख्या बहुत कम है, बहुत नगण्य है बिल्कुल। तो जब तक वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं होता है तब तक उसको साधना देना उचित नहीं होता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग दूसरों के लिए तो होता ही होता है, वो साधक स्वयं के लिए भी करता है। तो ऐसे ही कर्ण पिशाचनी की 3 स्टेजेस मैंने पूरी करी थी, जो ये स्टेज थी मैंने इसमें आपको बताया। एक कर्ण पिशाचनी को मैंने दूसरे तरीके से भी करा था, उसके अलग अनुभव रहे। और एक कर्ण पिशाचनी मैंने बहुत अघोर तरीके से करी थी, बहुत गंदे तरीके से करी थी, जिसमें मल मूत्र का प्रयोग भी होता है। यह साधना जो मैंने करी ये तो फिर भी बहुत शांत थी, सात्विक थी, इसीलिए उसका रूप भी बहुत शांत था। जो दूसरी साधना है और तीसरी साधना है, दूसरी साधना ध्यान के माध्यम से कर्ण पिशाचनी को कैसे सिद्ध करते हैं मैं इसमें आपको बताऊंगा। और तीसरी जो बहुत ही ज्यादा अघोर कपालिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है वह कैसे सिद्ध होती है वो तीसरी वीडियो में बताऊंगा, तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट था। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, एक साधक को मैं कर्ण पिशाचनी करा भी रहा हूं। अभी मैं उन जिज्ञासुओं को एकत्रित कर रहा हूं जो कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं। उन साधकों की परीक्षा लेने के उपरांत मैं उनको उस साधना में साधना भी करवाऊंगा, वह साधना भी करवाऊंगा अगर वो इच्छुक होंगे। और यह साधना मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो फल कथन करते हैं, उनको ये ज्यादा सूट करती है, उनके प्रोफेशन को सूट करती है। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, अगर वो लोग ज्योतिष लोग अगर इस साधना को करना चाहेंगे तो मैं इससे संबंधित भी उनको सही मार्गदर्शन दूंगा। ये प्रथम सीरीज में मैंने जो सामान्य, जो बहुत सामान्य तरीके से कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको बहुत सामान्य तरीके से कुछ समय के लिए वो साधना बता सकता हूँ कर्ण पिशाचनी की। इसमें अलग अलग साधनाएं भी आती हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, ध्यान के माध्यम से भी कर्ण पिशाचनी का आवाहन होता है और वो उसी तरीके से बताती है। थोड़ा सा ढंग अलग होता है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सिर्फ गुरु आदेश पर होता है। और इसमें बहुत बारीकी चाहिए होती है, गुरु का बार बार निगाह चाहिए होती है, क्योंकि इसमें गिरने के चांसेस 100% है। 1% भी ऐसा नहीं कि गिरने के चांसेस ना हो। और जो 1% अगर बच सकता है तो वो गुरु आदेश से बच सकता है। आप लोग जुड़े रहें, अगर जिज्ञासु हो इस साधना को करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे। दूसरी और थर्ड, सेकंड और थर्ड जो पार्ट आएगा, सेकंड में ध्यान के माध्यम से कर्ण पिशाचनी के लिए मैं बताऊंगा, और थर्ड में जो बहुत ही अघोर क्रिया है कर्ण पिशाचनी की उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप साधक हैं अच्छे, तो आपको तो मैं एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं। अगर आपको हल्का सा अनुभव करना हो, रात्रि को 12 बजे जिस बिस्तर पे आप लेटते हैं,
परिवार वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपका अकेला कमरा है तो चुपचाप रात को 12 बजे सिर्फ 1100 बार इस मंत्र का जाप आप कर लेना। आपको उसी रात्रि को ही समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। जो भी अनुभव हो मुझसे साझा कर सकते हैं, और अगर इच्छुक हो तो मेरे शिविर में आके मेरे साथ साधना भी कर सकते हैं।